तू इतनी रात में कहाँ जा रहा है? मैं वेनू के घर जा रहा हूँ। कल नहीं मिल सकता? नहीं, कल सुबह वो हॉस्टल निकल जाएगा ना, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। मैं आता हूँ ना। ठीक है जा। ए गोरी, जब तुझे कोई और खिलाए तो खा लेने का, नाटक नहीं करने का, समझी? चिंता, झोले में क्या है? कुछ नहीं माँ। बताना क्या लेके जा रहा है। अरे बोला ना, कुछ नहीं है। सुनो, चिंता घर नहीं लौटा, देखो ना कहाँ है। दोस्त के घर गया होगा। हाँ, बोला था कि अपने दोस्त वेनू से मिलने जा रहा है, जबकि वो दो दिन पहले ही हॉस्टल चला गया। जहाँ जाता है अपने कुत्ते को साथ लेके जाता है, पर इस बार बांध के गया है। जिस तरह से वो अपने झोले को संभाल रहा था ना, मुझे तो लगता है उसके झोले में कुछ तो है। क्या? अरे क्या? तो घर जा, मैं लेकर आता हूँ। मेरी इंजीनियर से बात हो गई है, वो कल आकर सारी जमीन देख लेगा। क्या रे, भूख लगी है? आ बैठ, खाना खा ले। नहीं नहीं, मुझे अरे पैसे मैं देगा। बनवारी, चिंता को देखा क्या? हाँ, मैंने उसे परसों के घर के पास देखा है। ठीक है। अरे पिछली तीन पुश्तें निकल गई, हम सिर्फ राइस मिल चला रहे हैं। अब वक्त आ गया है सीमेंट की फैक्ट्री लगाने का। अगर सीमेंट की फैक्ट्री लग गई तो मुनाफा ही मुनाफा। भाई संभाल लेगा मेरा सब कुछ। अगर आप लोग साथ आ गए तो रंग कुछ और ही होगा। जरा सोचिए ना इसके बारे में। हाँ हाँ, सोच कर बताता हूँ। हाँ चलो, बात करते हैं, सुबह मिलते हैं। हाँ ठीक है। हाँ चलो। बोतल वापस कर दो। मालिक, आज आपको टेलर के पास जाना था ना? अरे कल सुबह देखेंगे ना क्या करना है, ये भी कोई वक्त है। बहुत देर हो गई, तू भी घर जा। जी ठीक है। अबे सो गया क्या कुंभकर्ण? चलो उठ। चिंता, दरवाजा खोल। अरे इसे जल्दी डॉक्टर के पास ले जाओ। पीछे हटो। ए नर्सिंग, अरे इसे हाथ मत लगाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हाथ मत लगाओ, पुलिस केस हो जाएगा। जल्दी से पुलिस को फोन कर। ठीक है। तुम अकेले ही आए हो, चिंता कहाँ है? तेरे बेटे ने सबको मुसीबत में डाल दिया। क्या हुआ, उसने क्या किया? बेटी को उठा पहले। आखिर हो क्या गया? बोला ना उठा। भैया भैया, जल्दी सामान बांध। क्यों? हमें चलना है। कागजात कहाँ हैं जमीन के? बताओगे क्या हुआ? क्या हो गया शिवा? मैं भी कब से पूछ रही हूँ, बता ही नहीं रहा है। तेरे बेटे ने नरसिंह को मार दिया। लेकिन पूरा दिन वो घर पर ही था ना? मैं भी यही समझ रहा था। पार्वती के कहने पे उसे ढूंढने गया था। जब मैंने उसे देखा तो नरसिंह की तरफ छुरा लेकर दौड़ रहा था। उसने नरसिंह को मार डाला। उन्होंने उसे देख लिया था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने लकड़ी का टुकड़ा बिजली के तार पर मारा। उसे रोकने से पहले सब खत्म हो गया। जो उसका पीछा कर रहा था उसी पे उसने बम फेंक दिया। हमें लग रहा था वो बच्चा है, लेकिन बहुत बड़ा काम किया उसने। तेरे गहने का है? वहां पतीली में, बड़ी वाली पतीली। नरसिंह मर गया? मेरे ख्याल से तो मर गया होगा, बहुत जोर से मारा था उसने। पता नहीं मेरी औलाद और क्या क्या दिन दिखाएगी। भांजे, तेरे छोटे भाई ने तेरे लिए क्या कर दिया जो हम नहीं कर सके। पार्वती, अब जाके मेरे भांजे की आत्मा को शांति मिल जाएगी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। मुझे उसके मरने पे तब खुशी होती जब तुम में से किसी ने ये किया होता। मैं सारे गाँव वालों को दावत देती, लेकिन ये काम मेरे बच्चे ने किया है। उसकी जिंदगी तो पूरी खराब हो गई। तुम लोगों के हाथों में दम नहीं था जो एक बच्चे को हत्यारा बना दिया। तुम्हारी वजह से ही बिगड़ा है। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। देख, इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है। जल्दी से सामान बांध और बच्चे को लेकर यहाँ से निकल। माँ के पास जा, उठ जा। अरे तू कहाँ था इतनी देर से?
और ये सब तूने क्या कर दिया? क्या, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो बता कर गया था कि मैं वेणु के घर पर जा रहा हूँ। झूठ बोल रहा है। वेणु से मिलने गया था तो हथियार लेने की क्या जरूरत थी? और अपने भाई का शर्ट क्यों पहना है? मनहूस, और क्या कर रहे? अरे मार मार क्या तूने? सुन शिवा, ये क्या हो गया तुझे? पार्वती, इसे ले जा अंदर। तू जा अंदर। परिवार के बारे में नहीं सोचा इसने? सोचा है मैंने सबके बारे में। मेरी वजह से कोई मुसीबत में नहीं पड़ेगा। आता है मुझे खुद को बचाना। मैं बस मेरी माँ को आखिरी बार देखने आया हूँ। अपने बाप से जबान लड़ाता है, पता है तुझे क्या क्या? मार मत उसे, जाने दे उसे, बच्चा है। बच्चा बोल के सर पर चढ़ा दिया। जाना, तू जान। कोड़ी की अकल नहीं है। तूने ऐसा तुझे रोता देख मुझे दुख। शिवा, मारने से कोई फायदा नहीं, जो होना था वो हो गया है। इससे कुछ हो जाता तो एक बेटा तो पहले ही खो चुका हूँ। इसे नहीं खोना चाहता। इसे जेल हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसे लेके जंगल में छुप जा। मैं पार्वती और बच्ची को लेके कहीं चला जाता हूँ। मामला ठंडा होने के बाद वापस आ जाते हैं। इसीलिए ये पुलिस और नर्सिंग के परिवार से जान बचाते हुए अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। शिवमनी का अब एक ही मकसद है, अपने परिवार को बचाना। अगर इंस्पेक्टर को पता चल गया कि हम शिकार कर रहे हैं तो वो इसमें से भी अपना हिस्सा मांग लेगा। चुप। सुअर चीख रहा है, लगता है कोई शिकार कर रहा है। इसकी मस्त बिरयानी बना। ए कराड़िया, बिरयानी बन रही है क्या? नरसिंह का मर्डर हो गया। इतना बड़ा हिम्मत किसने किया? अरे गांव का एक छोटा बच्चा है वो और उसका बाप उसे मार के जंगल में घूम रहे हैं। मैंने राजेश को जबान दी है कि सूरज निकलने से पहले उसको लेके आऊंगा। चल ढूंढते हैं उसे। तू घर जा, मैं देख लेगा। वाह, यहाँ तो कोई निशान नहीं है। ऊपर चढ़ने के तो कोई निशान नहीं है। लगता लोग नीचे उतरे हैं। कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है। हथियार को अपने पास ही रखना। बाबा, मेरे पास है हथियार, मुझे नहीं चाहिए। रख ले, उसकी धार चली गई होगी, वो मुझे दे। अगर कोई दिक्कत हो तो डरना नहीं, मुझे उठा देना। अकेले कहीं मत जाना। मैं वहां पत्थर के पीछे सोने जा रहा हूं, ठीक है? ठीक है बाबा। वो लोग यहां से थोड़ी देर पहले गए। वो जानता है हम उसका पीछा कर रहे हैं। उसे ढूंढने में हम दिन रात एक कर दें तो भी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। ए पंथी, तू उसके गांव का है ना, उसका कुत्ता ले आ। ठीक है। थोड़ा आराम से चलो बाबा, पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। चप्पल क्यों नहीं पहनी? आ जा, बैठ जा, बैठ। यहाँ बहुत ठंड होती है बाबा। एक बार भैया मुझे यहाँ पर लेकर आए थे शहद निकालने के लिए। याद है वो छत्ता जो खेत पर मैंने आपको दिया था,
इसी पत्थर के नीचे से निकाला था। भैया ने पत्थर पर रस्सी बांधी और सरकते हुए नीचे उतर गया। कभी डरता नहीं था हूँ बाबा, अभी भी सब वैसा ही है बाबा। हवा वैसी है, पत्थर वैसे हैं, छत्ता भी वैसा ही है, पर भैया नहीं है बाबा। आराम कर, हथियार पास में रखना। बुड्ढे ने गहना गिरवी रखा है। अरे उसने कभी 100 रुपए का नोट नहीं देखा होगा, उसके पास गहना कहाँ से आ गया? अभी बताता हूँ। पार्वती, लगता है नरसिंह के आदमियों को पता चल गया है। वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए आ रहे हैं, तुम्हें निकलना होगा। तो बताओ मत कहाँ जा रही हो, वो लोग औरतों को भी मारते हैं, अगर मुझे मारा तो मैं उगल दूंगी। जल्दी निकलो और बच्ची का ख्याल रखना, इनको पीछे के रास्ते से निकाल दो। संभल के अरे दगड़ू, यहाँ क्या है? मालिक क्या काम करके तेरा घर चलता है और तो उन्हीं से गद्दारी करता है। बाबा ने कहा था यही रहना, तो हम क्यों जा रहे हैं? बाबा ने बुलाया बेटा। डर मत, हथियार पास रखने कहा था ना, उठा ले। झोला तो ले। बाबा, लक्ष्मी के लिए किशमिश तोड़ लाऊं? पहले चलकर मामा।